वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं आज शॉपिंग करने और करवा चौथ के लिए हमें साड़ी लेनी है, इसलिए हम जा रहे हैं। और मेरे साथ आ रही है मेरी जो फ्रेंड है नीलम, वो आ रही है। और नीलम को ना सब बोलते हैं कि मेरी सिस्टर है। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी नीलम से, और आप मुझे कमेंट में बताना कि वो मेरी तरह दिखती है। क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में आई थी ना, तो काफ़ी लोग बोलते थे, इनसे पूछते थे कि तेरी वाइफ की सिस्टर आई है क्या, क्योंकि हमारा थोड़ा सा फेस कट एक जैसा लगता है बोलते हैं। और हम दोनों एक ही साइड के हैं, हम उत्तराखंड से हैं। और मैंने नीलम से बात करी, उसको भी साड़ी लेनी थी, तो फिर मैंने बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है हम भी चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं, तो व्लॉग में आप पूरा बने रहिएगा, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट। और आज ना हम थोड़े अलग मार्केट में जाने वाले हैं, तो आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ की मार्केट। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम निकल गए हैं, जो आगे स्कूटी में ये नीलम है और भैया स्कूटी चला रहे हैं। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और आज संडे है, तो संडे के उससे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग भी मार्केट के लिए निकलते हैं, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। और हमें वैसे पौन घंटा लगा है यहाँ पे पहुँचने में, और आज हम आए हैं चिकपेट मार्केट। और आज संडे है ना, तो इसलिए यहाँ पे मार्केट भी लगी हुई है, और इसीलिए यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमें गाड़ी लेके जाना है आगे, वहाँ पे हमने गाड़ी पहले पार्क करनी है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, फिर यहाँ पे से करेंगे हम शॉपिंग। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं चिकपेट मार्केट में, और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करने के लिए लगानी है। ये रही हमारी नीलम पीछे पहुंचे, बहुत खतरनाक हो रहा है यहाँ ट्रैफिक, ट्रैफिक पूरा। और अब हम पहुंच गए मार्केट। तो हम ना यहाँ पहली बार आए हैं, और नीलम लोग आते रहते हैं, तो उनको काफ़ी पता है इस मार्केट का, तो इसलिए वो आगे चल रहे हैं और हम चल रहे हैं पीछे। और अपनी को अभी हमने गोद में पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जिस हिसाब से यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं ना, तो कपड़ों की तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है यहाँ पर। तो पहले हमें लेनी है साड़ी, तो पहले हम चलते हैं शॉप में साड़ी लेने के लिए। और यहाँ पे ना अधिकतर जितना भी सामान है वो होलसेल प्राइस में मिलता है, तो इसीलिए रीजनेबल प्राइस रहते हैं यहाँ पे। तो पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे शोरूम में, तो पहले लेने हमें साड़ियाँ। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम, अब यहाँ पे साड़ियाँ देख रहे हैं हम। तो साड़ियों की ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दिखाई है यहाँ पे हमको, तो अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। वैसे यहाँ पे सिल्क के अलावा और साड़ी भी मिल जाती, बट हमें साड़ी सिल्क में ही चाहिए थी, तो इसलिए हम सिल्क साड़ी ही देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप में, तो यहाँ पे भी साड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, सिल्क की हैं सारी। और यहाँ पे अब साड़ी देखते हैं, तो देखते हैं हमें कौन सी पसंद आती है इनमें से। तो ये देखिए, ये पूरी जितनी भी साड़ियाँ लगी हुई है ये सारी सिल्क में है। और यहाँ पे ना सारी साड़ियाँ निकाल दी, उसके बाद मैं हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि मुझमें कौन सा कलर सही लगेगा, क्योंकि मैं उनकी पसंद के ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि उनकी पसंद है भी अच्छी, तो इसीलिए मैं उनकी पसंद के ही पहनती हूँ। एक ये साड़ी मुझे थोड़ा पसंद आ रही थी, बट इसमें ये हमने ली नहीं, हमने कोई और साड़ी खरीदी। और अभी यहाँ पर नीलम देख रही है अपने लिए साड़ी, उसको अपने लिए और चाची के लिए, तो दो साड़ियाँ उसको लेनी है, तो देखते हैं उसको कौन सी पसंद आती है। तो इस वाली शॉप में ना सिल्क के अलावा भी काफ़ी वेराइटियाँ हैं साड़ी की। और अब हम आ गए हैं नई शॉप में, यहाँ पे ना ये भी शोरूम है सिल्क का, होलसेल प्राइस में ये सारी साड़ियाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी साड़ियाँ देखते हैं हम, नीलम लोग पहले बैठ गए हैं क्योंकि उनको ही साड़ी लेनी है अब। और यहाँ पे ना एक ये साड़ी है, तो ये लोटस सिल्क की साड़ी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी साड़ी है। और जो ये साड़ी है ना, ये प्योर सिल्क साड़ी है, तो इनका प्राइस 30,000 50,000 इस टाइप का है। और थोड़ा ही देखा मैंने ये, क्योंकि इनके जो डिज़ाइन है वो इनके ही रहते हैं, वो किसी को दिखाते नहीं है। और अब हम निकल गए हैं उस शॉप से, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पे ना टाइम भी काफ़ी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, और दोनों की अभी नाइट ड्यूटी है, तो हमको टाइम से घर निकलना है। और हम लोग ना यहाँ से पैदल चल रहे हैं, तो हमारी गाड़ी कहीं और पा गए, तो हमने हस्बैंड और भैया को बोला कि आप लोग गाड़ी ले आओ, हम आपको आगे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, टाइम लगेगा गाड़ी निकालने में, इसलिए। और यहाँ पे मार्केट में ना ये छोटे छोटे स्टॉल भी काफ़ी लगे हुए हैं, और इनमें प्राइस भी कम है, तो काफ़ी लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे ये बर्तन है, तो 100 के 3 और 100 का 1, 100 के 3 पीस, 100 के 4 पीस, तो ऐसे सामान यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी भीड़ है इसीलिए से। और यहाँ पे भी ना काफ़ी लोग सामान खरीद रहे हैं। तो अब हम निकलते हैं, और अब ये लोग आ गए हैं गाड़ी लेके, तो अब हम निकलते हैं घर के लिए।
अभी हम आ गए हैं घर में और हम लोग आ गए हैं, बट जो नीलम लोग हैं उनको सब्जी लेनी थी तो इसलिए वो लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज संडे था ना, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसको देख के तो मुझे हमारे यहाँ का मेला याद आ गया, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम चलने के लिए भी नहीं हो रहा था। गाड़ी हमने निकाल के एक जगह पार्क कर दी थी और उसके बाद फिर हम पैदल आए हैं। पर उस मार्केट में ना सामान काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे शॉप भी बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी वहाँ पे एकदम सही है, और इसीलिए हम लोग ने दो साड़ी मैंने ली है, दो साड़ी नीलम ने ली है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और आज हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो अभी मुझे बनाना है, जल्दी से डिनर बनाती हूँ। डिनर बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ खरीदी हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज नेक्स्ट डे है, कल हम मार्केट से काफ़ी लेट हो गए थे, उसके बाद हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो इसीलिए फिर डिनर बनाना था, मैं लेट भी हो रही थी काफ़ी, तो इसलिए मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसलिए मैं नेक्स्ट डे ब्लॉगिंग कर रही हूँ आज। और आज सबसे पहले मुझे बनाना है पिज्ज़ा, तो पिज़्ज़ा अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैं बना रही हूँ। और घर पे अभी माइक्रोवेव नहीं है हमारे पास, तो मैं कढ़ाई में ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी साड़ियाँ जो मैंने ली है। तो फ्रेंड्स, अब अवनी ने पिज़्ज़ा खा लिया है और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, अवनी भी थोड़ा सा ही खाती है, बट उसके लिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ियाँ जो मैंने ली। साड़ी बैंक में रखी हुई है और इसी शॉप से हमने ले रखी है एक साड़ी, और एक साड़ी दूसरी शॉप से ली थी हमने। हम मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और एक दुकान में साड़ी पसंद नहीं आई, दो साड़ियाँ लेनी थी तो दो तीन दुकान मैंने देखी और दो तीन दुकान नीलम ने देखी है, उसके बाद जाके हमने साड़ियाँ खरीदी हैं। और साड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी बहुत, क्योंकि वहाँ पे ना जो भी शोरूम थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली थी, कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, वैरायटी भी बहुत थी वहाँ पे, और प्राइस भी होलसेल प्राइस में था तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमें साड़ियाँ पड़ ली थी, तो इसीलिए हमने साड़ियाँ ले रखी हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी, तो मैंने दो साड़ी ली है, पहली साड़ी आपको दिखाती हूँ। पहली साड़ी है ये, तो ये सिल्क की साड़ी है और इसमें बॉर्डर है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर है, और मुझे बॉर्डर वाली ही साड़ियाँ अच्छी लगती है तो इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी ली है। और ये रहा इसका पल्लू, ये इसका पल्लू वाला हिस्सा है, और ये है ब्लाउज पीस जिसको कट करवाना है, और अभी इसमें फॉल और पीको करवाना है मैंने। तो ये रही मेरी पहली साड़ी, और मेरी दूसरी साड़ी है ये, मेरे पास ना साड़ियों में ये वाला कलर नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है अपने लिए। तो ये देखिए, इसमें भी बॉर्डर है, ये भी कॉन्ट्रास्ट में है बॉर्डर। तो ये रही साड़ी और इसका ब्लाउज पीस, तो ये है इसका पल्लू वाला हिस्सा, और ये रहा उसका ब्लाउज पीस, ये कलर ना मेरे हस्बैंड को ज्यादा पसंद आ रहा है, और ये रहा ब्लाउज जो मैंने इनके साथ पहनना है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये पैडेड ब्लाउज है और काफी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अंदर से इसमें इनर लगा हुआ है, इसमें ना ये टैसल लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये स्लीवलेस लग रहा है बट इसके अंदर स्लीव भी है, तो मुझे ये ब्लाउज भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो और इस साड़ी के साथ ना एक परफेक्ट मैच हो रहा है, ये देखिए इसके बॉर्डर से एकदम मैच हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी साड़ियाँ जो मैंने खरीदी, और जो नीलम की साड़ी है वो आपको देखने को मिलेंगी करवा चौथ वाले ब्लॉग में। इन दोनों में से भी डिसाइड नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, वो आपको करवा चौथ में ही देखने को मिलेगा। और अभी मेरे को ये इसमें फॉल पीको करवाना है, और इसमें हो सकेगा तो शायद मैं स्लीव भी स्टिच करवाऊंगी ब्लाउज में, तो देखते हैं क्या होता है। और आई होप के फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।